नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फर्स्ट राउंड का इसराइल का इंटरव्यू हुआ, सेकेंड राउंड का इंटरव्यू हुआ, और फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का काफ़ी लोगों का जो है इसराइल में प्रवेश हो चुका है, और सेकेंड राउंड का पैसा जमा हो चुका है, पहले राउंड का भी जमा हो चुका है। पहले राउंड का बहुत लोगों का टिकट हो चुका है और सेकेंड राउंड का भी बहुत लोगों का पैसा जमा हो चुका है, लेकिन पहले राउंड का वाले जो भी भाई हैं वो चले जाएंगे, उसके बाद सेकेंड राउंड का वाले वालों का टिकट होगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब रह गया थर्ड राउंड का। थर्ड राउंड का इंटरव्यू कब तक होगा, आज की वीडियो में आपके लोग साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। और कितने राउंड, सेकेंड राउंड में कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, थोड़ा सा आंकड़ा हमें मिला तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, थर्ड राउंड में काफ़ी सारे चेंजेस हैं, काफ़ी सारे भाइयों को इस चीज़ को जाननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट राउंड में हुआ तो काफ़ी कुछ सेकेंड राउंड में चेंजेस किया गया, और थर्ड राउंड में काफ़ी कुछ चेंजेस किया जाने की अनुमान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा कंट्री है और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चयन होना। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का जो इंटरव्यू हुआ उसमें बहुत सारी बाधाएं आई, फ्लाइटें बंद हो गई, बहुत लोगों का टिकट होके भी कैंसिल हुआ, आप लोगों का पता होगा। ठीक है, और उससे एनएचटीसी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी काम रुका और टाइम नुकसान हुआ एनएचटीसी का भी और आप लोगों का भी। तो उसी को देखते हुए दोस्तों, तीसरे राउंड का इंटरव्यू जो है वो काफ़ी सारे चेंजेस में किया जा रहा है, उम्र का, पासपोर्ट का और बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है, जिसकी जानकारी मैं अपने चैनल पर देता रहूँगा, और कब एग्जैक्ट रहेगी इंटरव्यू उसके बारे में मैं आप लोग को एग्जैक्ट बता दूँगा। आप लोग चैनल को फॉलो करके रखिए और चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, आप लोगों को मैं जब भी जिस माध्यम से भी होगा, देखिए फर्स्ट राउंड अगर पूरे जो भी भाई हैं हमारे सभी चले गए, सेकेंड राउंड में से लगभग आधे से भी मतलब चले गए, आधे भी चले गए ना, तो समझ लीजिए कि कंफर्म हो जाएगा कि थर्ड राउंड का इंटरव्यू कब होगा। ठीक है, तो आप लोग घबराए नहीं, जो भी भाई एनएचटीसी के माध्यम से जाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि ऑफिस से जाने के लिए काफ़ी सारे पैसे लग रहे हैं, 4 से 5 लाख 6 लाख। ठीक है, और एक छोटा सा मैं आप लोग को बताऊं कि मैं चेन्नई में हूं, और पहले भी बताया हूं, चेन्नई में तो आए दिन एनएचटीसी के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से एक न एक बांट निकलता है और लोग जाते हैं, यहाँ से ऑफिस से भी जाते हैं, एनएचटीसी के माध्यम से भी जाते हैं। तो छोटा सा बांट निकला है चेन्नई में, तेलंगाना में, हैदराबाद में। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोग को कम से कम 1.5 लाख रुपये लगेंगे, 1,50,000 लगभग लगेंगे, और आप उसके बाद जा पाएंगे या नहीं किसी का कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि आपके ये नहीं है कि पैसा कोई खा जाएगा, लेकिन आप में कोई सारी बाधाएं हो सकी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, पासपोर्ट में टाइमिंग नहीं है, तो कोई ना कोई एक बाधा ऐसी आ जाएगी कि हो सकता है कि आपका फ्लाइट ना हो पाए। लेकिन अपने यहाँ जो इंटरव्यू होंगे एनएचटीसी के माध्यम से, जैसे पहले फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड हुआ है, वैसे इंटरव्यू फिर से होने वाली है। और आप लोगों को मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा भाई हमारे इसमें कैंडिडेट जुड़ेंगे, और लगभग लगभग 4 से 5 हज़ार लोग इसमें पास होंगे, क्योंकि मैं दोस्तों पहले बार सेकेंड राउंड में जो इंटरव्यू हुए हैं उसमें बहुत सारे भाई फेल हुए हैं। इसी के अंदाज़ा लगाते हुए अभी जो इंटरव्यू थर्ड राउंड के होंगे उसमें लगभग लगभग 9-10 हज़ार लोगों का चयन होगा, इंटरव्यू होगा, उसमें से कम 4 से 5 हज़ार लोग पास होंगे। जो भी भाई जाना चाहते हैं एनएचटीसी के माध्यम से, उनका अगर डॉक्यूमेंट ठीक रहा, उनका उम्र ठीक रहा, उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनके पास, उनको काम करना आता है, टेस्ट में पास होते हैं, तो उनको जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसमें बहुत भाई फेल हो रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोग को बताऊं कि जो भी भाई इसराइल गए हैं उनका भी बहुत सारा कंप्लेन आया है। ठीक है, अपने यहाँ की एक बहुत बड़ी कमी है, मैं आप लोग को वीडियो में क्या बताऊँ, सुनकर के बहुत ही ज़्यादा दुखी लगता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अपने यहाँ की एक कमी है, कि अपने यहाँ के लोग जब जाते हैं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सभी बुरे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बस इतना बताता हूँ कि अपने यहाँ के जो भी भाई कहीं पर भी जाते हैं, गल्फ हो, यूरोप हो, दुबई, ओमान, बहरीन, सऊदी, कुवैत, अब इसराइल में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी वहाँ की सिचुएशन को देख रहे हैं। ठीक है,
हर राउंड की जो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि थर्ड राउंड का भैया कब बता रहे हैं, तो मैं आप लोग बताऊँ कि थर्ड राउंड की एंट्री बहुत जल्द होगा, और जैसे ही ये जो फर्स्ट राउंड सेकेंड वाले क्लियर होंगे वैसे ही उसके बाद से थर्ड राउंड का इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि काफ़ी सारे कॉम्प्लेंस भी अपने इंडिया भारतीय यूपी और बिहार के लोगों के ऊपर, राजस्थान के ऊपर भी है, हरियाणा के लोगों के ऊपर भी है, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर नहीं है। तो देखिए मैं दोस्तों आप लोग को क्या बताऊँ मैं कि कंप्लेंट जब आती है तो बहुत दुख लगता है। हालांकि हम लोग तो कोई लेवल के नहीं है, लेकिन सिर्फ एक भारतीय होने के नाते काफ़ी बहुत ज़्यादा दुखी लगता है, और ये लगता है कि अपने जो भी भाई हैं वो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों को अगर देखें तो उनका भी काम अच्छा चले और कंपनी का भी काम अच्छा चले। तो जो भी भाई अपने यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार के जाते हैं या कहीं के भी हो, राजस्थान हरियाणा में हर जगह की बात बता रहा हूँ, एक तो दारू शारू पीने वाले लोग बहुत हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे कितना कंपनी में कितना प्रॉफिट है, कौन सामान कितना है, ये कितने हाई लेवल तक है, यहाँ की कौन सी प्रक्रिया कहाँ तक है, कौन बम कहाँ पे गिरा, कौन सा परमाणु कहाँ पे गिरता है। देखिए दोस्तों आप लोगों को इससे मतलब नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को मतलब होनी चाहिए कि आप गए हैं वहाँ काम करने, तो आप सुबह उठिए अपना काम देखिए, काम खत्म करिए अपना रूम भी जाइए, ठीक है। मैं आपको सिखाने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन एक नागरिक होने के नाते, एक अपने भाई होने के नाते आप लोग के साथ बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो जरूरत की चीज़ें हैं, देखिए दूसरी चीज कंप्लेन ये आई कि एक घंटे नुकसान करती है कंपनी सेफ्टी के मामले में। तो सेफ्टी के मामले में अगर कंपनी अपना टाइम देती है आप लोग के पीछे, तो ये आप ही लोगों का फायदा है, ठीक है। ग्लव्स लगाना, हैंड ग्लव्स लगाना, या आप सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं, इसे आप ही लोगों का फायदा है। सेफ्टी बेल्ट ना होने के वजह से एक भाई का वहाँ पे डेथ हो गया, गिर करके जो है उनका शरीर में काफ़ी सारी हड्डियाँ टूट गई। तो अगर आप लोग लगाते हैं तो आप ही लोगों का फायदा है। तो देखिए अगर आप हेलमेट नहीं लगाते, आप सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाते, आप रूल्स वाइज काम नहीं करते, जैसे देखिए क्या होता है कि आप भले बहादुर आदमी हैं, हमें जानकारी है कि आप बगैर सीट बेल्ट का बगैर किसी चीज़ का काम कर लेंगे, लेकिन कहने का मतलब है जो रूल्स है उसको तो फॉलो करना है ना, रूल्स है उसको फॉलो करना है। आपको पता है या हमें भी पता है कि बगैर हेलमेट का भी आप रोड पर जा सकते हैं, लेकिन रूल्स क्या है कि हेलमेट लगा करके जाना है। तो आप भले गिरे ना गिरे लेकिन आपको हेलमेट लगाना है। उसी प्रकार से आप इजराइल में भी हैं, इजराइल में आप लोगों का काम से काम ज़रूरत है, तो वहाँ पे कौन सा कंपनी कितना कमाती है, कितना डेवलप करती है, कितना वीज़ा का चार्ज होता है, तो ये होता है। उसके बाद से काम में भी बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे भाई छुट्टी कर देते हैं, ये भी कंप्लेंस है। तो देखिए दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए जब जाते हैं तो ये सुनने को मिलता है। तो हालांकि हम लोग का कोई लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी दूर लगता है कि अपने यहाँ के जो भी भाई है कहीं पर भी जाते हैं तो ये शिकायत का मौका छोड़ देते हैं। बाकी उसमें जो भी भाई हैं मेहनत करने वाले भी हैं, काम भी करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हाँ आप 80% अगर आपका सही है तो आप 20% और ठीक करिए, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ की जो गलत चीज़ें, गलत बातें, किसी से काम बोलिए, बगैर फजूल का बात करना, बगैर फजूल का मजाक करना, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के फोरमैन हैं, वहाँ के जो, ठीक है, या आपस में भी सिर्फ काम से काम रखना बेटर होता है मेरे दोस्त। कभी भी आप लोग जाए तो स्ट्रिक्ट रहें, काम नहीं है फिर भी कोई ना कोई काम आप फोर्स करके करते रहें। अगर आप कोई ना कोई काम आप करते हैं, जैसे करने पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक आप पंडी ले लिए, कारपेंटर है, मेसन है, कुछ भी है, तो आप एक काम उसमें मसाला बनाते रहें या टाइल्स लगाते रहें, तो कोई काम करते हुए कोई देखता है तो आपको कुछ नहीं बोलता है, या अगर उस टाइप के ये नहीं बोलता है कि इंडिया के लोग ऐसे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है,
कि आप लोग से जो छोटी छोटी चीज़ें का जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब देखिए अभी तक इसराइल से कोई तरह का कंप्लेन नहीं आया था, लेकिन इसराइल से कंप्लेन आना चालू हो गया है। एशिया पावर में, डायनामिक ऑफिस में, चेन्नई में भी बहुत सारे डीटी ऐसे हैं, जो गिंडी है, अन्नानगर है, नुगमबाकम है, मेरा जो एरिया है वो एनएस के नगर, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे कंप्लेन आते रहती है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान करें और अपना काम से काम रखें, समय से उठें, समय से काम पे जाएं, समय से अपना छुट्टी करें और समय से बनाए खाएं, ज़रूरत से ज़रूरत रखें, ज़रूरत से किसी से बोलें, ज़रूरत से मजाक करें, काम है तो काम पे फोकस करें, ठीक है। ये सब चीज़ों पे ध्यान दें आप लोग। बाकी तीसरे चरण का जो भी जब भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोग को तुरंत दूंगा। तो आज के छुट्टी में इतना ही, उम्मीद है आप लोग को, आप लोग अपने देश का नाम जरूर रखेंगे, अच्छा रखेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।